आ गई बिटिया। हाँ बाबा। बहुत घूमती फिरती है, अब तू बड़ी हो गई है, जरा संभल कर चलना सीख। संभल कर ही तो चलती हूँ बाबा, और लड़कियाँ तो बहुत तेज तेज भागती है, पर मैं तो बहुत धीरे धीरे भागती हूँ। बेर खाओगे? तोड़ के लाई है क्या? नहीं बाबा, मैं पेड़ के नीचे खेल रही थी कि बेर गिर पड़े और मैं उठा लाई। अरे बिटिया, वो जमींदार के खेत हैं, बड़े लोग हैं, कृपा करें तो सोना बरसा दें और खफा हो जाए तो बस। जान ले ले, यही ना। अरे पहले की ऐसी बात कहाँ बिटिया, पहले तो जमींदार लोग खूब डट के मेहनत करवाते थे, पर मेहनताना भी खूब देते थे। झूठ बोल रहे हो, मैंने सुना है किसी से कसूर हो जाए तो उसकी खाल खिंचवा लेते थे। हाँ ठीक कहती है बिटिया, पर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक बेर में घास लेके देर से पहुंचा तो जमींदार साहब ने मेरा मेहनताना ही काट लिया। तुमने कुछ भी नहीं कहा? अरे मैं क्या करता बिटिया, नौकर की कहाँ हिम्मत होती है कि जमींदार के मुंह पर कुछ बोल सके। ये मालिक लोग बहुत जालिम होते हैं। नहीं बिटिया, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तुम चिंता मत करो, अब मैं काम करूंगी। नहीं बिटिया नहीं, बहुत बुरा लगता है मुझको, तुम्हें नन्ही सी जान को अब घास छीलनी पड़ेगी। नहीं बिटिया, मुझे बहुत बुरा लगता है बिटिया, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम चिंता मत करो बाबा, जब तुम ठीक हो जाना तब सारा काम तुम खुद कर लेना। अरे पता नहीं कब ठीक होऊंगा बेटी। राम राम मालिक। अरे राम गुलाम, तुम इस समय यहाँ? हाँ मालिक। मालिक हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत सांस फूलती है, अब हमसे काम नहीं होता। काम नहीं होता तुझसे, सांस फूलती है तेरी, हराम खोर हमारे घोड़ों के लिए चारा कौन लाएगा, कौन काटेगा घास उनके लिए? मालिक हमारी बिटिया है, बहुत मेहनती है, है तो छोटी पर वो घास रोज लेके जाया करेगी। काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई देर नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं मालिक, नहीं नहीं। तू आज फिर घास छीलने आई? हाँ तो फिर? अब क्या तू रोज रोज घास छीलेगी? नहीं तो। तू घास क्यों छीलती है? ये घास जमींदार के घोड़े के लिए जाती है, अगर हम घास ना छीले तो जमींदार का घोड़ा खाएगा क्या? तो और कोई नहीं है क्या घास छीलने के लिए? और भी बहुत होंगे, पर हम जमींदार के लिए घास छीलते हैं। तेरे बाबा कुछ नहीं करते? अरे वो ही तो घास छीलते थे, पर आजकल वो बीमार है, नहीं तो वो ही काम पर आते। तेरी घास मैं छील दूं? अरे तू काहे को छीलेगा? बस ऐसे ही, तेरी मदद करने को मन कर रहा है। नहीं मेरे बाबा नाराज होंगे। अरे उन्हें क्या पता चलेगा? मैं सब बता दूंगी, मैं अपने बाबा से कुछ नहीं छिपाती। अरे मैं झूठ बोलने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, तू कुछ मत करना। सीधे सीधे घास ले आकर साफ करना, और तेरे बाबा उसे जमींदार के यहाँ दे आएंगे। अरे नहीं, आज तो घास भी हमें देने जाना पड़ेगा। अच्छा अब तू जा और हमें काम करने दे, जमींदार नाराज होगा।
अरे छोटी सरकार तो गिर गए। रजिया चंपा जल्दी आओ। छोटी सरकार आपकी कहीं चोट तो नहीं लग गई? लाइए मैं आपका घाव धो देती हूँ। तुम किशोर से कहो घोड़ा संभाले, मैं इनका घाव धोती हूँ। ये जगह इतनी उबड़ खाबड़ है कि कितना भी संभल कर चलो आदमी गिर ही जाता है। अच्छा तुम भी गिरी हो कभी? बचपन में खेलते खेलते बहुत बार गिरी हूँ। और अब? अरे तुम तो अभी भी बच्ची हो। अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बाबा कह रहे थे कि मैं 13वें साल में लग गई हूँ। अब बड़ी हो गई हो। बाबा भी बहुत अजीब है, जब खेलती कूदती हूँ तो कहते हैं कि तू बहुत बड़ी हो गई है, और जब काम करती हूँ तो कहते हैं कि तू बहुत छोटी है। अरे ठीक ही तो कहते हैं, लड़कियों को बड़े होते देरी कितनी लगती है। घास छीलते समय बहुत बार गिर गई हूँ, और जब चोट लग जाती है तो बाबा बहुत डांटते हैं। और जब तुम्हें चोट लगती है तो तुम भी ऐसी करती हो? एक मिनट। ये पत्ता लिया, इसे हाथ में मसला और फिर इसे घाव में लगा दिया। और इसे कपड़े से बांध दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मत फाड़ो, मेरे पास रुमाल है उसको ले लो। अच्छा तो मैं अब चलूं? लो ये कुछ पैसे रख लो। नहीं नहीं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। अरे लेकिन क्यों नहीं, तुमने तो मेरा इतना काम किया है। बाबा कहते हैं हम आपके गुलाम हैं, आपका दिया ही खाते हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये घास आपके घोड़े के लिए ही तो है। तो क्या तुम राम गुलाम की लड़की हो? जी हाँ। अरे तुम यहाँ कहाँ रहती हो, राम गुलाम कहाँ है? वहाँ सामने कुटिया के अंदर। खा दे खा। अरे राम गुलाम। अरे छोटे मालिक आप? बड़ी कृपा करी माई बाप, आइए आइए। हमारे तो धन्य भाग साहब, आप आए बैठिए। अरे बिटिया जरा जलपान तो लेकर आ। और राम गुलाम कैसे हो? बस सरकार दया है आपकी। अच्छा तो तुमने पहचान लिया? अरे पहचानते कहा ही नहीं सरकार, ईद है आपके अन्न से ही तो पली है। फिर वही पुरानी बात, और तुमने अपनी लड़की को भी वैसी ही शिक्षा दी है, वो भी कहती है कि हम आपके गुलाम हैं। अरे देखो भाई अब जमाना बदल गया है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अरे सरकार ये तो आपकी पढ़ाई लिखाई का ही नतीजा है, वरना तो सब जगह वही हाल है। लीजिए छोटे सरकार। अच्छा अच्छा मैं ठीक ही तो कह रही थी ना छोटे सरकार। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा कहने पर तुम्हें विवश किया जाता है, हैं? अरे सब अपने परिश्रम का खाते हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अच्छा सोचो, अगर तुम ये घास छील कर हमारे यहाँ ना पहुँचाओ तो हमारे घोड़े क्या कहेंगे? अरे भाई हम तो घास छील नहीं सकते। अब आप सरकार कहते हैं तो ठीक ही होगा। अरे, अरे अरे राम गुलाम, ये तुम्हारी तबीयत कब से खराब है? बस सरकार यही कोई एक महीना हो गया, पर धूल में काम करते हैं ना तो हमारी सांस बहुत फूल जाती है। बाबा मेरा कहना मानो, काम करना बंद कर दो। अरे सरकार काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? वैसे तुम्हें पेंशन मिलती है या नहीं? अरे कहा है कि पेंशन सरकार, हम तो जिंदगी भर आपका खेत जोतते रहे और पेट पालते रहे, अब जब से दुखिया की मां मरी हमने सरकार ये दुखिया को बड़ी मुश्किल से पाला, अब हमारी बीमारी के कारण ये घास छीलती है, हमको अच्छा नहीं लगता सरकार, अच्छा नहीं लगता। पर सरकार कहाँ करे, मजबूरी है। देखो तुम बहुत बूढ़े हो गए हो और तुम्हें आराम की भी जरूरत है, और जब इसकी शादी हो जाएगी तब? तब की तब देखी जाएगी सरकार, और थोड़े दिन तो है ही, अब जिंदगी भर थोड़ी बैठा के रखना है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। फिर तो तुम बहुत अकेले हो जाओगे। सो तो है सरकार, तो हम कौन से सदा जीते रहेंगे, कभी ना कभी तो बुलावा आ ही जाएगा। नहीं नहीं ऐसी बात मत करो।
और देखो ये कुछ रुपए हैं, ये अपने पास रख लो। तुम्हारी बेटी ने तो लेने से मना कर दिया, लेकिन तुम मना मत करना। अरे सरकार, बहुत कृपा करी सरकार। और देखो कभी भी कोई तकलीफ हो मेरे घर आ जाना, कभी कोई संकोच मत करना सरकार। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बिटिया बाहर तक छोड़ दी चलोगी? हाँ क्यों नहीं, सरकार को छोड़ के आ बिटिया। आई सरकार, जा बिटिया संभाल के ले जाइयो। नजीब भाई सलाम सरकार। अरे ये क्या हुआ, ये चोट कैसे लग गई? अरे बस मामूली सी ऐसी चोट है, कोई बात नहीं। अरे चोट तो इस घोड़े को भी आई है मालिक। हाँ बस थोड़ा सा गिर गए थे। और देखो इसकी देखभाल जरा ठीक से कर देना, हमें अपनी चोट का तो इतना ख्याल नहीं है जितना इसकी चोट का है। आप फिक्र ना करें मालिक, मैं इसकी मरहम पट्टी बिल्कुल ठीक तरह से कर दूंगा। ये कमबख्त दुखिया अभी तक घास ही लेकर नहीं आई। हाँ हाँ हाँ, वो राम गुलाम की बेटी को आज कुछ देर हो जाएगी, लेकिन देखो उसको कुछ कहना नहीं, उसको हमारी वजह से देर हुई है। आपकी वजह से सरकार? हाँ हाँ हमारी वजह से। देखो जैसे मैंने कहा है वैसा ही करना। जो हुक्म मालिक वैसा ही होगा। अच्छा आ हाथों में दम नहीं है क्या तेरे? जी मालिक। जोर से दबा। आ गया, बहुत देर कर दी आज तो आपने। आज घोड़े ने बहुत थकाया, जरा सा ध्यान चूका और हम घोड़े से गिर गए। आजकल आपका ध्यान कुछ ज्यादा ही गड़बड़ा रहा है। मैं केवल घुड़सवारी की बात कर रहा हूँ। आपने हमारी बात पर क्या विचार किया? कौन सी बात पर? गांव के छोटे लोगों से मेल जोल ना बढ़ाने की बात पर। माफ कीजिए मुझसे वो सब नहीं हो सकता। लगता है आप हमारी भावनाओं का ख्याल नहीं कर रहे। आप भी तो हमारी भावनाओं का ख्याल नहीं कर रहे, और वैसे भी आप बहुत पुराने विचार हो। अच्छा तो हम पुराने विचारों में जी रहे हैं। अगर हम आपकी बात मान लें तो ये घट्टा किया शब्द बिखर जाएगा। जमींदारी का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कच्ची दीवार की तरह कब बह जाए। नहीं, समय एक सा नहीं रहता, और अगर हम आपकी बात मान लें तो हमें अपने आप से घृणा हो जाएगी। क्या कहने, कौन सी किताबें पढ़ने लगे आजकल आप? पढ़ने के लिए भी तो आपने ही भेजा था, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ काम करने वालों का भविष्य कुछ ज्यादा सुरक्षित नहीं है, और जब ये काम करने योग्य नहीं रहते तो अपने अंतिम दिनों में इन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ता है। अरे जीवन भर नौकरी करने के बाद भी इनके पास कुछ नहीं होता। जिनके पास खेत होते हैं वो तो कुछ कर भी लेते हैं, और जिनके पास खेत नहीं, मैं चाहता हूँ उनके लिए आप कुछ प्रबंध कर दें, कम से कम उनकी पेंशन ही बांध दें। पेंशन लगा दो, जानते हैं आप इसमें कितने रुपयों का नुकसान होगा? नुकसान नहीं होगा बल्कि दूरवर्ती लाभ ही होगा,
अरे हम उनके परिश्रम से न जाने कितना लाभ कमा चुके हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सहायता दी जाएगी तब वे अधिक मन लगाकर काम करेंगे। बेटे आप इन छोटे लोगों की मनोवृत्ति नहीं जानते। मैं उनकी मनोवृत्ति जानूं या न जानूं, लेकिन बड़े लोगों की मनोवृत्ति अच्छी तरह जानता हूं। मैं आज संयोग से राम गुलाम की तरफ गया था, उसकी हालत अच्छी नहीं है। उसकी 13 साल की बेटी अपने बाबा की जगह घास खोद कर लाती है। हम आपसे इस मामले में फिर बात करेंगे और फिर हमारे विचारों में भिन्नता पैदा होगी। आप आराम कीजिए। और सरोपा। अरे हुजूर आप सलाम। कहो नजीब, सब ठीक चल रहा है? आपकी मेहरबानी है हुजूर, सब ठीक है। और हमने अपने घोड़ों के लिए खास चारा मंगवाया था, वो आ गया क्या? अरे हुजूर वो तो कब का आ गया, और घोड़ों को तो मैंने खिलवा भी दिया है, थोड़ा छोटे मालिक के घोड़े के लिए डलवा दिया है। आपके इस खास घोड़े की घास का इंतजार कर रहा हूँ, बस वो आ जाए बाकी का उसे मिलाकर खिला दूंगा। इस घोड़े को हमने बहुत प्यार से पाला है नजीब खान, अरबी नस्ल का घोड़ा है ये, तुम इसका खास ख्याल रखना। जो हुकुम मालिक। वैसे खाकसार तो पहले से ही आपके और मोहन बाबू के घोड़े का खास ख्याल रखता रहा है। हाँ ये तो हमें मालूम है। मालिक लगता है आज छोटे सरकार घोड़े से गिर गए। हो सकता है घोड़े ने गिरा दिया हो। नहीं नहीं मालिक, घोड़े ने नहीं गिराया, वो तो आज पछा की तरफ निकल गए थे छोटे सरकार। आपको तो मालूम ही है कि उधर की जमीन कितनी उबड़ खाबड़ है, थोड़ी भूल चूक हो गई होगी सो गिर पड़े। अब इसमें उन्होंने आपको कुछ बताना मुनासिब ना समझाओ। अच्छा नजीब, अब हम चलते हैं। नजीब खान, तुम हमारे बहुत पुराने काम करने वाले हो, लेकिन एक बात याद रखना, इन छोटे आदमी और चारा डालने वालों के साथ कभी कोई रियायत मत बरतना। तो सिर पर चढ़ जाते हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुजूर, मैं कतई रियायत नहीं बरतूंगा। हाँ। अभी तक नहीं आई, छोटे मालिक सिफारिश कर गए हैं और बड़े मालिक कहते हैं कि कोई रियायत मत करो, और छोटे मालिक कहते हैं कि कुछ मत कहो। अजीब गोरख धंधा है, लगता है इन दोनों के बीच में जरूर कुछ दाल में काला है, लेकिन हमसे क्या। अरे भाई हम तो छोटे आदमी हैं, जो हुक्म होगा वो बजा लाएंगे। अच्छा तो ये आ गई। वो तो देख रहा हूँ कि तू घास ले आई है। यही रख दूँ? अरे रख देना, जल्दी किस बात की है, बहुत देर हो गई है मालिक। हाँ आज तूने फिर देर लगाई। एक दिन की बात हो तो माफ किया जा सकता है, लेकिन ये रोज रोज। नहीं मालिक, कल से देर नहीं होगी, वहाँ छोटे मालिक की सेवा में देर हो गई। कौन से छोटे मालिक, कौन सी सेवा? क्या छोटे मालिक ने तुझे नौकर रख लिया है? नहीं मालिक, वो आज वो पछा की तरफ आए थे और वो घोड़े से गिर गए, उनके हाथ और पैर में भी चोट लग गई मालिक। हाँ हाँ मुझे मालूम है। फिर मैंने उनके चोट पर पत्ता रख दिया और मालिक वो हमारे घर भी गए थे। छोटे मालिक का तो दिमाग खराब हो गया है। धत तेरे की, मेरा मतलब है उन्होंने तुम लोगों को बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। फिर तो आपका भी बहुत ख्याल रखते होंगे मालिक। देख देख ज्यादा बातें मत बना, बड़े मालिक ने हुक्म दिया है कि छोटे लोगों पर बिल्कुल रियायत नहीं करनी है। तेरा बाबा भी कभी कभी बहुत देर से आया करता था, बता इतनी देर से क्यों आई है? मैंने बताया ना मालिक, छोटे मालिक हमारे घर के सामने घोड़े से गिर गए थे और फिर मैंने उनके चोट को पोछा, उस पे पत्ता रखा और फिर पत्ते वाला मलहम लगा दिया। अरे दुखिया, ये मलहम हम छोटे लोगों के लिए होता है, बड़े लोगों के लिए नहीं। आप भी छोटे हो, आप तो बहुत बड़े हो मालिक। देख मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं, जब भी तुझे देर होती है कोई ना कोई बहाना बना देती है, आज मैं तुझे नौकरी से ही निकाल दूंगा, समझी? नहीं नहीं मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालना, हम खाएंगे कहाँ से, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है,
मैं उनके लिए दवाई कहाँ से लाऊंगी? मेरे बाबू बहुत बीमार है मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालना मालिक। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू जा जा यहाँ से। और हाँ देख, कल से ठीक समय से आना, अगर कल देर लगाई तो तेरे पैसे काट लूंगा और बड़े मालिक से शिकायत करूंगा सो अलग। नहीं मालिक, बड़े मालिक से कुछ मत कहना, मैं कल से देर से नहीं आऊंगी मालिक। देख रो मत रो मत, या परवरदिगार तूने भी कैसे कैसे बंदे भेज दिए हैं। अरे छोटे मालिक आ गए। सलाम मालिक। अरे तो क्या हुआ, तुमने हमारी इतनी सेवा जो की है। और देखो नजीब जी मालिक, आइंदा कभी इस लड़की को डांटना मत और इसे नौकरी से ही मत निकालना। नहीं मालिक, बिल्कुल नौकरी से नहीं निकालूंगा।